नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। SSP आशीष तिवारी ने इस दिवाली फिरोजाबाद के लोगों को दिवाली धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही अपील भी की कि इस दिवाली पर अपने घरों पर CCTV कैमरे जरूर लगवाएं और ग्रीन दिवाली स्वच्छ दिवाली मनाएं। धनतेरस दिवाली जैसे त्योहार को लेकर पुलिस सतर्क है। जिले में SSP आशीष तिवारी बनाए हुए हैं कड़ी नजर। पुलिस का रहेगा सख्त। शहर व गांव के बाजारों में पहरा। सभी पुलिस कर्मियों की ड्यूटियां निर्धारित कर दी गई हैं। फिरोजाबाद पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग भी बराबर की जाएगी। वहीं पुलिस के उच्च अधिकारी भी जगह जगह जाकर हालातों का जायजा लेंगे। जहां फिरोजाबाद में धनतेरस दिवाली को लेकर पुलिस अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। फिरोजाबाद देहात शहरी क्षेत्र के बाजारों में की गई है पुलिस की तैनाती। पूरे जिले में 10,000 से अधिक CCTV कैमरों की मदद से कड़ी निगरानी की जा रही है। सभी लोगों की चेकिंग की जाए, इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आम नागरिकों को और किसी भी परिवार वालों को परेशान ना किया जाए, ऐसा पुलिस को हिदायत दी गई है। साथ ही संदिग्ध लोगों से चेकिंग व उनसे पूछताछ भी की जाए। दिवाली पर चलने वाले पटाखों से ना हो कोई अनहोनी, जिसको लेकर SSP गंभीर दिखाई दिए, तो वहीं इसको लेकर LIU भी लगाई गई है, जिसके द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक कुछ FIR भी दर्ज की गई है। वहीं दिवाली पर आगजनी जैसी होने वाली घटनाओं से तुरंत इस पर काबू पाया जाए, जिसको लेकर फायर ब्रिगेड कर्मियों के साथ गाड़ियों को भी जगह जगह मुस्तैद कराया गया है। खास रिपोर्ट ऋषि पंडित के साथ। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या जनपद फिरोजाबाद के इंतजाम है? देखिए, धनतेरस और दिवाली का बड़ा त्यौहार है और उसको देखते हुए हमारे जनपद के अंदर में जो पुलिसिंग व्यवस्था है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। जो देहात क्षेत्र है और जो शहरी क्षेत्र है, दोनों जगहों पर पूरा ड्यूटी चार्ट बनाया गया है। जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट बाज़ार हैं, जो हमारी दुकानें हैं, उन सभी पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए लोगों को हमने लगा दिया है। PRV जो हमारी पुलिस रिस्पांस व्हीकल है, उनको रीडिप्लॉयमेंट करके जो हमारे सेंसिटिव क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कर दिया गया है। और सभी लोगों को ब्रीफ भी किया गया है कि वो एक्टिवली देखें और कोई भी संदिग्ध तत्व हो, संदिग्ध लोग देखें जो मोटरसाइकिल सवार हों, स्पेशली 3 सवारी मोटरसाइकिल लड़के कई बार जो है हमको दिखते हैं, या जो संदिग्ध लोग हों उन लोगों को चेकिंग अवश्य करें। उसमें यदि संदिग्ध पाए जाएँ तो उनको सीज करके उनकी पूछताछ भी की जाए। इसमें यह भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आम नागरिकों को परेशान ना किया जाए, उसमें किसी भी परिवार को उसमें परेशान ना किया जाए, बट सुरक्षा व्यवस्था दोनों चीज़ों को ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा जो CCTV कैमरे हैं जनपद में, हम उत्तर प्रदेश में जो 16 से 24 थानों के जनपद हैं उसमें सेकेंड नंबर पर हैं जिनमें CCTV आच्छादन किया गया है। 10,000 के ऊपर CCTV आज की तारीख में जनपद के अंदर में क्रियाशील हो गए हैं। वो सभी जो हमारे बाजार क्षेत्र हैं और सभी क्षेत्रों के अंदर में अब CCTV आच्छादित हो चुके हैं। तो जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपराधी हैं या जो आपराधिक माइंडसेट के लोग हैं, उन लोगों को विशेष रूप से नज़र रखने के लिए ये तीसरी आंख जो है निश्चित रूप से कारगर है और वो लगातार उसकी निगरानी भी कर रहे हैं कि क्षेत्र के अंदर में किसी प्रकार के अवांछनीय तत्व यदि होंगे तो वो तीसरी आंख की नज़र में ज़रूर आएंगे। तो इस तरीके से एक व्यवस्था बनाई गई है। आज फुट पेट्रोलिंग और रूट मार्च वगैरह भी हमारे द्वारा की जा रही है, उसको आज शाम को हम लोग करेंगे। कल बाज़ार में देर रात मैंने स्वयं भी भ्रमण किया था बाज़ारों के अंदर में, जब दुकानें लोग बंद करते हैं। तो इस तरीके से लगातार हमारी सारी जो पुलिस है, सभी लोगों को बताया गया है कि लगातार फील्ड में रहेंगे। जो पुलिस व्हीकल हैं, जितने भी वाहन हैं पुलिस के, वो सभी बाज़ारों में और इन क्षेत्रों में गश्त करते रहेंगे। ड्यूटी चार्ट डिप्लॉय कर दिए गए हैं, CCTV से नज़र रखी है और उच्च अधिकारी भी ग्राउंड पर जो है वो लगातार भ्रमण करेंगे। पटाखों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, पटाखों में जो हमने देखा है कि कई बार हादसे हो जाते हैं, उसको देखते हुए ऑलरेडी LIU को सतर्क किया गया था। उसमें कई FIR भी क्षेत्र में लिखी गई हैं जहां पर भी किसी प्रकार की अनियमितता पाई गई थी। जो लाइसेंस वगैरह हैं उनको भी त्वरित एक्सेप्ट या रिजेक्ट के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे कि लास्ट मोमेंट पर किसी को वेट ना करना पड़े। और जो CFO और FSO जो हमारे फायर के अरेंजमेंट्स हैं, तो पटाखा बाजार है उसमें खासतौर से, और जो लाइसेंसी है उनसे मीटिंग करके उनको थानावार ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वो सारी सावधानियां रखें, अन्यथा उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जा सकती है। तो पटाखों पर भी हमारा पूरा ध्यान है और उस पर हमारा खुफिया विभाग भी लगातार सूचनाएं दे रहा है, सूचनाएं हम इकट्ठे कर रहे हैं और काफ़ी इसमें FIR भी हुई है। तो तरीके से
जो भी दिवाली की तैयारियां होती हैं वो सब की जा रही हैं। और मेरा सभी जनपद वासियों से मैं एक तो दिवाली और धनतेरस की बधाई सभी को देता हूं, और सभी से मेरा आग्रह है कि इस दिवाली पर जो CCTV हैं वो अपने घरों में ज़रूर लगाएं, और इसके अलावा जो दिवाली का जो त्यौहार है उसमें ज़िम्मेदारी से उसको करें, ग्रीन दिवाली, स्वच्छ दिवाली, इस तरीके से इसको मनाएं।